फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आप देख रहे हैं मानव समाचार। आज की ब्रेकिंग न्यूज, आज रात 10:30 बजे जाफरनगर ममता दूध डेयरी के पास चंद नामालूम गुंडा अनासिर हाथों में नंगी तलवार लेकर हबीब होटल पर हंगामा आरई की गई। हंगामा आरई के फौरन बाद मालेगांव शहर के DYSP तेगबीर सिंह और पवारवाड़ी पुलिस का अमला ने हंगामा आरई की जगह पूरी तरह से मुआयना किया और आवाम को यकीन दिलाया कि इस तरह दहशत फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मानव समाचार की टीम ने बरवक्त पहुंचकर आवाम से मामले की पूरी तरह से जानकारी लेने की कोशिश की। आवाम ने गुजारिश की है कि इस तरह की गुंडागर्दी और नामालूम शहरपसंद अनासिर से आवाम बिल्कुल तंग आ गए हैं। जानते हैं जनता दल सेकुलर के मुस्तकीम डिग्निटी और जाफरनगर वार्ड के आमीन कारपोर्टर ने क्या कहा। पीछे 2-3 रोज से जाफरनगर और एतराब में एक दहशत का माहौल कुछ लोगों ने बनाया है और पीछे भी आमीन मेंबर जो है एक बेदार शहरी के नाते उनकी कंप्लेन किए और मुझे भी बोले कि इस तरह से दहशत बनाना मालेगांव शहर में जो आम लोगों को तकलीफ हो, अगर कोई दो ग्रुप का आपस का मामला है, अगर वो क्रिमिनल लोग हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नशा करते हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तेगबीर सिंह साहब DYSP यहाँ पर आए और उन्होंने सारे हालात को देखा और खुद उन्होंने अपने मोबाइल में सब कैप्चर्ड किए फोटो और हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी और तेगबीर सिंह साहब जो है वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर इस शहर में बना रहे उसकी कोशिश करते हैं और अब ये उनके सामने एक चैलेंज है कि इस तरह से दहशत पैदा करने वालों पर किस तरह से सख्त कार्रवाई करते हैं। हमें पुलिस डिपार्टमेंट में उनसे ही फिलहाल उम्मीद है कि वो इस तरह के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और उन्होंने कहा है कि मैं पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ क्योंकि इस इलाके का संबंधित पुलिस स्टेशन पवारवाड़ी है तो वहाँ पर वो बाकी बातें समझेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मगर मालेगांव शहर में इस तरह का वाकया होना ये खुद एक सोचने की बात है कि इस तरह से अगर लोग दहशत पैदा करेंगे 3 रोज से मुसलसल तो पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन 3 रोज से क्या कर रहा है। DYSP साहब को क्यों बुलाना पड़ा ये भी एक सवाल है कि ये जो पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन के जो पुलिस वाले हैं उनका काम है कि इस तरह से उनके अगर उनके हलके में इस तरह की दहशत पैदा की जा रही है तो उन पर रोक लगाई जाए। हमको मजबूरी में DYSP साहब को बुलाना पड़ा और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। नगर एरिया में जो है कुछ नौजवान मुंह पे रुमाल बांध के जो है तलवार ले करके यहाँ दहशत फैलाने के उसमें जो है आज हबीब होटल पे जो है 3 दिन से आके तोड़फोड़ कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा मालूम पड़ा कि ये 2 ग्रुप का झगड़ा चालू है लेकिन अब जाफरनगर की आवाम जो है एकदम परेशान हो चुकी है। आए दिन जो है किसी न किसी बच्चे को दूसरे बच्चे को मार दे रहे हैं। अभी एक लड़के को मारे हैं उसको सिविल हॉस्पिटल लेके जाया गया। अभी हम लोगों ने मुस्तकीम डिग्निटी फ़ोन करके DYSP साहब को बुलाए और उन्होंने जो है आ करके पूरा पंचनामा करके गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। तो हम लोगों को उम्मीद जो है डिपोटी साहब से है जबकि डिपोटी साहब को आए 2 महीना हो गया है। लोग उनके नाम से डर रहे लेकिन आज जाफरनगर में जो है इतने ज़्यादा तलवार और जो है बंदूक हो गई है कि लोग जो है डिपोटी साहब से भी डर नहीं रहे। तो हम डिपोटी साहब से गुजारिश करेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दें नहीं तो ये 2-3 दिन में फिर छूट के आ जाते और उसके बाद फिर इससे ज़्यादा हरकत करेंगे। आज गरीब लोग जो है धंधा करने के लिए डर रहे हैं। पहले ही जो है बेरोज़गारी हो गई है। 11 बजे होटल बंद करना पड़ रहा है। ये लोग आके 10 बजे 9 बजे ये सब हरकत है जो जाफरनगर में चालू है और ये गिने चुने 2 ग्रुप में 6 लोग हैं, इधर 5-6 लोग हैं। इस तरीके से जो है जाफरनगर की पूरी आवाम जो है एकदम दहशत में ज़िंदगी गुजार रही है। मैं वापस से एक मरतबा दरख्वास्त करूँगा डिपोटी साहब से SP साहब से कि ये जो है ये लोगों पे कार्रवाई करें और उनको सख्त से सख्त सजा दे। अभी जो एक बच्चे जो यहाँ चाय पीते बैठा था उसका रिपोर्ट लगी कि उसको जख्मी या खून वगैरह गिरे है, उसको सिविल हॉस्पिटल ले गए हैं। अभी जा करके वहाँ पर देखेंगे और कितने लोग जख्मी हैं। डिपोटी साहब आकर बोले कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे, मंचनामा वगैरह करके गए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद हमको वो करेंगे कार्रवाई। जुमा के रोज़ यहाँ पे हादसा हुआ था 10 बजे 10:30 बजे हम लोग जाके कंप्लेन देने गए तो कुछ PI साहब छुट्टी पर थे तो शनिचर के दिन जो है उसकी कंप्लेन हुई है वहाँ पर।
और अली पुलिस स्टेशन में। हबीब होटल वाले जो हबीब है इनके नाम से वहाँ पर कंप्लेन हुई है, और ये हादसा आज जो है मेरे घर के पीछे से तलवार लेके पूरे जाफरनगर में ये लोग दौड़ाते गाड़ियों पे जो है पूरा घूमते हुए आके यहाँ पे ये जो है मार धाड़ की है। औरतों में भी दहशत का माहौल बन गया। नहीं वो रुमाल बांधे थे, सर्दी का टाइम है, पूरा मफलर वगैरह ये मुँह पर लगाए थे, तो किसी के नाम से नहीं, लेकिन यहाँ CCTV फुटेज में आज के दिन आए, अभी जो है कैमरा चेक करके फुटेज जो है पुलिस स्टेशन दिया जाएगा। गुज़िश्ता कई सालों से नशा आवर चीज़ों का धंधा करने वालों और इसका इस्तेमाल करने वालों पर पुलिस की कड़ी नज़र है, इसलिए आवाम से गुजारिश है इस तरह किसी भी हंगामा आ रही को देखते ही पुलिस को फौरी इत्तला दी जाए और समाज दुश्मन गुंडा अनासिर को किसी भी तरीके का मौका ना दिया जाए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज हमेशा सच के साथ।